फोटो का वन सब्जेक्ट काफ़ी सालों से मेरे दिमाग में था। इसका स्टोरी स्क्रीन प्ले मेरा ही है और इत्तेफाक से दो गाने भी मैंने लिखे हैं इसमें। और ये सब्जेक्ट लेके मैं कहीं कहीं प्रोड्यूसरों के पास घूमता रहा, लेकिन सब लोगों ने ये कहा कि यार ये आजकल इस दौर की फिल्में नहीं बनती है। फिर मेरे कुछ अपने दोस्त हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि भाई क्या करना चाहते हो। मैंने कहा कि देखो ये सब्जेक्ट हैं और इसी के ऊपर मैं फिल्म बनाना चाहता हूँ, मेरी पहली फिल्म ये होगी। फिर उसके बाद में हम लोगों ने मैंने उनको नरेट किया सब्जेक्ट, उनको अच्छा लगा और फिर बात आगे बढ़ी। मुझे खुशी है कि मैं जो चीज़ें ऑडियंस के सामने लाना चाहता था, अल्लाह ने उसका मौका दिया, ईश्वर ने उसका मौका दिया और मैं वो चीज़ लेकर आप लोग के सामने बैठा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस उसे सहारे और उसे थिएटर में देखें और जो भी भला बुरा है वो खुले दिल से मुझसे कहें। इस फिल्म के लिए मुझे कम से कम 13 हीरो ने ना कहा है, 12 से 13 हीरो ने ना, मैं नाम नहीं लूँगा उनके और सब स्टैब्लिश हैं, सब लोगों ने मुझे ना कहा। मुझे मैंने सोचा कि मैं क्या किया जाए। राजपाल जी मेरे पास साइन थे ऑलरेडी, राजपाल जी ने जब भी 8 साल पहले राजपाल जी ने सब्जेक्ट सुना हुआ और उन्होंने मुझसे कहा था कि अनवर अगर आपको प्रोड्यूसर नहीं मिलेगा तो ये फिल्म मैं प्रोड्यूस करूँगा। उनको इतना सब्जेक्ट पसंद था। फिर आखिर में हमने सोचा कि क्या किया जाए, काफ़ी दिन निकल गए, फिर हमने जिमी को प्रपोज़ किया। राजपाल जी ने कहा कि तुम जिमी को लो, जिमी इज़ गुड फॉर दिस रोल। तो मैंने कहा हाँ जिमी इज़ वेरी गुड, लेकिन मैं जिमी को जानता नहीं हूँ। तो राजपाल जी ने उनको फ़ोन किया और कहा कि भाई अनवर का सब्जेक्ट सुन लो, मेरे अच्छे दोस्त हैं। और फिर जिमी से मुलाकात हुई और जिमी भाई ने सब्जेक्ट सुनते ही, मतलब उन्होंने इंटरवल तक ही सब्जेक्ट सुना और कहा कि मैं कर रहा हूँ, बहुत अच्छी फिल्म है, आई एम डूइंग इट। और उसी तरह से फिर एक एक करके फिर सुशांत सिंह आए, मुरली शर्मा आए और इस तरह से एक एक आर्टिस्ट को हम लोग सेंगे। म्यूज़िक के लिए मैं कई नामी ग्रामी म्यूज़िक डायरेक्टर के पास गया और उनको मैंने अपने फिल्म के सिचुएशन सुनाए और मैंने कहा कि मुझे गाने चाहिए। तो उन्होंने मुझे एक गाना बना के दे दिया कि ठीक है ये गाना लीजिए आप चाहिए। तो मैंने कहा कि सर ये गाना मेरे सिचुएशन पर नहीं जाता है, ठीक है गाना आपका बहुत अच्छा है लेकिन जो मुझे चाहिए वो इसमें कहीं नज़र नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई आपकी पहली फिल्म है और हमारी ढेरों सारी फिल्में रिलीज़ हो चुकी हैं। तब मैं 2-3 जगह ऐसे धक्के खाने के बाद में मैंने सोचा क्यों ना मैं नए लड़के को ब्रेक दूं। तो अभिषेक मजुमदार बिल्कुल 20-22 साल का लड़का है और काफ़ी टैलेंटेड लड़का है। तो वो जब मेरे पास आया तो मैंने कहा कि मुझे इस तरह के गाने चाहिए और उन्होंने मुझे गाने दिए। फिर जे डी सिंह राजन मेरे पास आए, इस तरह से हम म्यूज़िक फाइनल हुआ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि 4-2-1 मैं अपने गुरु लेट श्री मनमोहन देसाई जी को ही समर्पित करना चाहता हूं और मैं ये दिल से चाहता हूं कि ये फिल्म जब लोग देखें तो उनको भी इस चीज़ का एहसास हो कि मैंने जो उनको अपनी फिल्म समर्पित की है उसमें कोई गलती नहीं है और ये उन्हीं के लायक फिल्म है। मनमोहन जी को मैंने ज्वाइन किया था नसीब से, फिर किसी वजह से मैंने उनको छोड़ दिया। और फिर जब एक बार मनमोहन जी से मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझसे कहा कि अनवर यू आर द फर्स्ट पर्सन हु लेफ्ट मी। तो मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई कि यार ये मैंने क्या किया। फिर मैंने फ़ौरन उनके पैर छुए तो मुझे दूर किया उन्होंने कि चलो दूर। तो मैं नेक्स्ट डे फिर सेट पर पहुँच गया और उस दिन के बाद मैंने ईद के दिन भी मनमोहन जी को नहीं छोड़ा, मतलब ईद की नमाज़ पढ़ के मैं फ़ौरन सेट पर चले जाता था। तो ये बड़ा अजीब वाक्य है, हम लोग तूफ़ान की शूटिंग कर रहे थे पनवेल में, तो मंजी ने मुझसे कहा कि पहले तो ईद मुबारक किया, अमित जी ने ईद मुबारक किया। फिर सडनली मंजी ने कहा कि अरे आज ईद है, सब लोग छुट्टी पे रहे, तू क्यों आया? तो मैं बोला सर असली ईद तो यहाँ है जहाँ पर मनमोहन देसाई और अमिताभ बच्चन हो। तो ये एक ऐसी बात है कि जो मैं ज़िंदगी में नहीं भूल सकता।